हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे काले चने और मछली के बिल्कुल नए रेसिपी। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनता है, बहुत जल्द तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 7 पीस हम रेहू मछली लिए हैं। इसमें अब हल्दी और नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी डालकर मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया है। 1 कटोरी चना है और 2 बड़ा चम्मच चावल है। दोनों को भिगा दिए थे 4-5 घंटा पहले, दोनों फूल गया है। अब चना और चावल को दोनों को पीस लेंगे। सबसे पहले हम मछली को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में सरसों तेल डालेंगे। कढ़ाई में हल्का नमक डाल देंगे ताकि मछली तलते समय तेल ना उड़े। तेल गरम हो गया है। अब मछली का पीस तल लेंगे। मछली को अब पलट लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको निकाल लेंगे। इसी तरह सारे मछली का फिश फ्राई कर लेंगे। मछली फ्राई हो चुके हैं। अब चना और चावल को हम पीस लिए हैं। अब इस बर्तन में पिसा हुआ चना और चावल डाल देंगे। इसमें हम 10 काली मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/2 चम्मच जीरा, 8-10 लहसुन की कलियां पीस लिए हैं, इसको डाल देंगे। 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी। अब इसको मिक्स कर लेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो गया है। अब एक पीस लेंगे। इस पीस में ये बैटर लगा देंगे अच्छे से, चारों तरफ से इसको अच्छे से लगा देंगे, लॉक कर देंगे। इसी तरह सारे मछली का पीस में बैटर को हम लगा देंगे। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। धीमे आंच में फ्राई करना है। इसको अब पलट लेंगे। दोस्तों, ये नाश्ता बहुत स्वादिष्ट कुड़कुड़ा लगता है। दोनों तरफ से इसको पलट लेना है। बहुत स्वादिष्ट कुड़कुड़ा लगता है दोस्तों। ये नया रेसिपी है, आप लोग के लिए लेके आए हैं हम। ये दोनों अब अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह सबको बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, काले चने की और मछली के ज़बरदस्त नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कितना कुरकुरा बना हुआ है। देखिए देखिए, ज़बरदस्त ये नाश्ता है। ज़रूर इसको आप ट्राई कीजिएगा। हम तोड़ कर दिखा रहे हैं। बहुत ही
स्वादिष्ट और कुरकुरा बना हुआ है। अंदर से बिल्कुल मुलायम और ऊपर से कुरकुरा बना हुआ है। ये नाश्ता ऐसा है कि अंदर से आपका मछली का टेस्ट मिलेगा और बाहर से पकौड़े का। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।